हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 12, जिसमें दोस्तों हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल तक हमने पांचवा क्वेश्चन तक तो कर लिया था, तो आज हम लोग दोस्तों छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, छठा क्वेश्चन में क्या करना है ना, ये सर समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ संतुलित करने, तो ये आप अपने से कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया मुझसे नहीं बना, आप इसके लिए ना मुझे समझाइए, तो मैं आपको लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा या आपको नोट दे दूंगा अपना से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों, रहा सातवां, बोला कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों देखिए, सातवां क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, बताया नहीं है, लेकिन मैं इसमें क्या करना था, ऐसा क्वेश्चन मैंने पांचवा भी जस्ट इसी प्रकार का था क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार का था। इसे क्या किया था मैंने, इससे पहले इसका सूत्र लिखने बताया था आपको, तो इसका सूत्र लिखने बता ही दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से आप जितने बार प्रयास कीजिएगा ना, यहाँ से जब मैं नहीं बता रहा हूँ तो ये आपको प्रयास करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब तक आप भी नहीं प्रयास कीजिएगा, मेरे करने से क्या होगा दोस्तों। देखिए, जब तक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप अपने से जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपके प्रयास के लिए, आपको करने के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ताकि समीकरण को संतुलित करना और सूत्र को लिखना, ये चीज़ आप अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आप हमें जरूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रहा आठवां प्रश्न, हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आठवां प्रश्न भी कुछ खास नहीं है, देखते हैं। लेकिन निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो दोस्तों, आपको इन प्रत्येक अभिक्रियाओं का प्रकार भी बताना है। तो दोस्तों, ये भी जो है ना, इसका भी आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा और समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप खुद से कर सकते हैं, प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं इस अभिक्रिया का प्रकार बता दे रहा हूँ, ऐसे ही बस आप लोग देख लीजिए, बस ऐसे ही जान जाइएगा ये कौन सा प्रकार क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और ये है बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बनाता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ये ऐसे ही पता चल रहा है कि ये दोनों जो तत्व है ना, अपने आयनों का आदान प्रदान किया है। देख लीजिए, पोटेशियम के साथ यहाँ पे ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम के साथ यहाँ आयोडाइड हो गया, यहाँ पे बेरियम आयोडाइड है, तो यहाँ पे देखिए बेरियम ब्रोमाइड हो गया। ये दोनों आदान प्रदान, ये क्या हो गया, द्विविस्थापन। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा दूसरा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिंक कार्बोनेट क्या बनाता है, अभिक्रिया होने बाद जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये चीज देखिए, एक क्या है, एक पदार्थ विखंडित होकर, वियोजित होकर क्या बना रहा है, दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजित होकर क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों सी, इसमें क्या है दोस्तों कि देखिए हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, ये दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि संयोजन, दो ठो क्या कर रहे हैं, दो ठो पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया, ये क्लियर आसान है बहुत दोस्तों, बस आप लोग प्रयास कीजिए समझने का। ठीक है, डी देखिए मैग्नीशियम है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, लेकिन देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और वहाँ क्लोरीन के साथ अपने अभिक्रिया हाइड्रोजन, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया। अर्थात ये क्या रहा है कि जो मैग्नीशियम है यहाँ पे ना, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, परफेक्टली है कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवा। ठीक है दोस्तों, हम लोग नवा क्वेश्चन में देखो क्या है दोस्तों कि उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों देखिए, मैं ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए वहाँ पे उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा दिया हूँ। ठीक है, एक वीडियो इसके लिए मैं स्पेशल बनाया था जिसमें आपको बताया था कि उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, मैं तीन अभिक्रिया उसमें बताया था। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर उसका नोट भी मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दसवां, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI है। ठीक है, इससे आप लोग VVI समझिएगा दोस्तों, क्या है ना कि श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अपने
हैंडराइटिंग नोट्स में मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, वही है क्वेश्चन कि श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। दोस्तों जैसे मैं आप जैव प्रक्रम अध्याय में जाइएगा, इसी किताब के छठे अध्याय में, तो वहाँ पे आप श्वसन को पढ़िएगा। देखिए श्वसन में क्या होता है ना, हम लोग क्या उसमें करते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है। वो श्वास विभिन्न अंगों तक जाता है ना, बहुत वहाँ पे फिर क्या ऊर्जा, मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ये श्वसन अभिक्रिया होती है। उसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होता है। बस ये आप समझ लीजिए कि जो श्वसन की क्रिया होती है ना, उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। आखिर हम लोग श्वसन करते हैं तभी तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब देखिए चूंकि इस अभिक्रिया में क्या है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज सबको ही बताता है, लेकिन यहाँ पे एक डाउट रह जाता है। क्या रह जाता है कि हम लोग दोस्तों ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में पढ़ा था कि ऊष्मा का निर्माण होता है, ठीक है, ऊष्मा निकलता है, लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों ऊर्जा निकल रहा है, तो विषय हम क्या कहें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा का ही रूप है ऊर्जा, ठीक है। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो जाइए, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे 11वां क्वेश्चन। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं एक बार क्लियर कर चुका था, लेकिन फिर से मैं आपको इसे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ना, ताकि आप फिर से इस बात को समझ लें और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न जो मैं बताया, एक ये देखिए, एक 10वां, ये सब देखिए, ये VVI लगाया हुआ है दोस्तों, ये सब चीज़ है ना VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको करते हैं। देखिए बोल रहा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है इन अभिक्रिया के लिए समीकरण। देखिए ये जो आंसर है दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी गाइड में किसी भी कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं अपने से खुद से बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े पदार्थ के टूटने पर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और इसके ठीक विपरीत संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोस्तों मैं आपको जब इस संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया बताया था, तो उसमें ये चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों, वहाँ पे नोट में करके लिखा हुआ था कि इसे क्यों कहते हैं, नहीं लिखा हुआ था कि विपरीत कहते हैं, ये चीज़ बताया था, लेकिन क्यों कहते हैं ये नहीं बताया था। देखिए संयोजन अभिक्रिया, देखिए ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है ना, एक बड़ा पदार्थ है टूटकर दो पदार्थ निर्माण कर रहा है वियोजित होकर, तो ये वियोजन अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पे देखिए दो संयोग करके एक बना रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया। अर्थात हम लोग देखिए दोस्तों इसे एक बारीकी से समझते हैं, ठीक है। संयोजन में क्या होता था कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते थे, और वियोजन में क्या हो रहा है कि एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनते हैं, जस्ट विपरीत है, इसलिए इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए वियोजन अभिक्रिया में दोस्तों पदार्थ तभी टूटता है जब उसे ऊष्मा देते हैं या सूर्य का प्रकाश देते हैं, मतलब उसे कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा की जरूरत होती है वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है। तो देखिए ऊष्मा के रूप में एक ठो है, उदाहरण देना है आपको, एक ठो प्रकाश के रूप में, एक ठो विद्युत के रूप में, मतलब ये आपको देखिए ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए ये जितना भी है ना, ये आपकी NCERT बुक में, अगर आप अच्छे से NCERT बुक पढ़े होंगे तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए CaCO3 जब यहाँ पे ऊष्मा देते हैं तब ये टूटता है, तब यह वियोजित होता है दो पदार्थों में। उसी प्रकार 2AgCl यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तभी यह 2Ag और Cl2 में बदलता है, ठीक है। उसी प्रकार विद्युत के ऊर्जा का उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2H2O जब इस पर विद्युत प्रवाहित किया जाता है, विद्युत अपघटन होता है, तभी क्या होता है 2H2 और O2 में वियोजित होता है। ये रहा ये प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है दोस्तों ना,
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, आप देखिए 13वां प्रश्न है दोस्तों कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रिया वाले समीकरण लिखिए। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से या यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद भी होगा। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक अपने, ठीक है ना, आयनों के मध्य आदान प्रदान करते हैं, अपने आयनों का क्या होता है, लोग आदान प्रदान करते हैं, ये होता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है, ठीक है। इसका देखिए इसमें दोनों का एक एग्जाम्पल भी देना है, तो ये एग्जाम्पल दोनों का है, ठीक है, एक तो विस्थापन का ये द्विविस्थापन का। तो ये 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट दोस्तों। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्या है दोस्तों कि सिल्वर नाइट्रेट के शोधन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन क्रिया विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया देखिए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसको थोड़ा सा दिया गया, आप अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए सिल्वर के शोधन में सिल्वर का शोधन किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट देखिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन है, ठीक है, इससे क्या होता है, सिल्वर को प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, ठीक है। कॉपर क्या कहता है कि सिल्वर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। और देखिए आप देखिए क्या है, एक प्रकार विस्थापन अभिक्रिया है, कॉपर जो है ना सिल्वर को विस्थापित कर दिया है, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। ये दोस्तों आपको अच्छे समझ आ गया। सुनो 15वां क्वेश्चन देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताया था कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और अवक्षेपण अभिक्रिया तीनों एक ही में मैंने अच्छे से पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, या तो फिर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 16वां कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। देखिए उपचयन अपचयन, तो दोस्तों उपचयन अपचयन भी मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उपचयन होता है, और जब ह्रास होता है तो अपचयन। इसका नोट्स भी आपको उपचयन अपचयन अभिक्रिया जब मैं समझा रहा था तो उसमें दे रखा है। अगर आपको नोट्स इसका चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका हम लोग देखते हैं उसके अभिक्रिया को, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से इसको हम लोग समझते हैं उस अभिक्रिया को। दोस्तों देखिए यह है चित्र 1.10 जिसमें दोस्तों आपकी एनसीईआरटी बुक का ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कॉपर चूर्ण युक्त चाइनाडिश है। यहाँ पे देखिए ये जो ये दिख रहा है ना, ये कॉपर चूर्ण है, ठीक है, ये चाइनाडिश है, इसमें कॉपर चूर्ण है। देखिए यहाँ पे ये जाली है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों, ये काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए जो भूरे रंग का जो कॉपर है वो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये होता क्या है दोस्तों ना, यहाँ पे कि जब अभिक्रिया होता है ना, तो अभिक्रिया के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से क्लियर करके इस अध्याय का इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है क्रियाकलाप चाइनाडिश में, देख सकते हैं कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना है, तो देखिए यह जो कॉपर ऑक्साइड है, जो काला पदार्थ है, कॉपर में ऑक्सीजन के युग से बना है। जब वहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ ना तब बना है ये चीज़, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग दोस्तों अपने नोट्स में अच्छे से फिर से समझते हैं, यहाँ पे किताब में समझ लीजिए, अब हम लोग इसे अपने नोट में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए नोट में क्या है कि देखिए चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स कॉपर है, जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड के जमा न होने के कारण यह काला पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया भी लिख दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इसे आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं।
तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग ये बात जानते होंगे दोस्तों कि ठीक है, लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। देखिए पेंट जो क्या होता है दोस्तों, कि पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है, जिससे लोहा संक्षारित नहीं होता है। दोस्तों देखिए ये जो आंसर है ना, इसे मैं अपने से सोच सोच के लिखा हूँ, तो ये आपको एग्जाम में जब आप ऐसे लिखेगा ना, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान में रहना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका आंसर है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए जब ऐसे पदार्थ ना हवा या नमी के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, अर्थात उनका गंध और स्वाद अप्रिय हो जाता है। मैं आपको दोस्तों उपचयन अभिक्रिया और क्या बोलते हैं विकृत गंधिता पढ़ाया था। ठीक है, विकृत गंधिता में क्या होता था कि किसी भी इसमें जो खाने वाला पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है, क्या हो जाता है वहाँ पे हवा लग जाने से, हम बोलते हैं हवा लग गया है, तो हवा लग जाने से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए देखते होंगे दोस्तों आप लोग कि चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों प्रश्न संख्या 20 क्या है दोस्तों, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, संक्षारण और दोस्तों विकृत गंधिता। तो इसका दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले के वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग बताया कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, लेकिन अगर आपको दोस्तों ये फिर से समझना है तो हम लोग देखते हैं फिर से। यही रहा दोस्तों, देखिए संक्षारण जो कि मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझना है दोस्तों तो इसे आप हमारे पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने स्पेशल संक्षारण और विकृत गंधिता पर जो बना चुका हूँ, ठीक है दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अभी के लिए। और दोस्तों इसे जब आप अच्छे से समझना है तो हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।